हर हर महादेव। साथियों दर्शन करते हैं। बारह ज्योतिर्लिंगों में शिव जी को अत्यंत प्रिय प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के बनारस या काशी का अर्थ प्रकाश भी होता है। यह मंदिर काशी में गंगा के पश्चिमी किनारे पे स्थित है। यहाँ भगवान श्री विश्वनाथ कहलाते हैं। यह भगवान शिव का स्वर्ण मंदिर भी कहलाता है। इस मंदिर को बहुत प्राचीन बताया जाता है, किंतु नवीन जो मंदिर है उसे अकबर के समय राजा मानसिंह ने और 1780 में इंदौर की मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। इस तीर्थ पर भी बर्बर आक्रांताओं के आक्रमण हुए और हर बार श्रद्धालुओं ने भक्तों ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। काशी सप्तपुरियों में से एक है। भगवान शिव इस क्षेत्र के राजा हैं। यहाँ गंगा में स्नान और काशी विश्वनाथ के दर्शन मोक्ष का द्वार खोल देते हैं। मंदिर तीन भागों में विभक्त है। दो भागों के ऊपर शिखर हैं, एक भाग के ऊपर गुंबद है। एक शिखर और गुंबद स्वर्ण पत्रों से सुसज्जित है। एक शिखर पर झंडा और त्रिशूल भी है। यहाँ हर दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है 1835 में महाराणा रणजीत सिंह ने मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण पत्र चढ़ाने के लिए 1 टन सोना भेंट किया। अन्य राज परिवार और धनी व्यक्ति भी मंदिर में समय समय पर कीमती भेंट करते थे। दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया, जिसमें मंदिर से मां गंगा पर ललिता घाट तक का रास्ता बनाया गया। इस क्षेत्र में जो निर्माण कार्य हुए उसके दौरान 40 से ज़्यादा अति प्राचीन मंदिर मिले। मंदिर के फूलों को एक कंपनी रिसाइकल करके अगरबत्ती बनाने का काम भी कर रही है। मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग चांदी की वेदी पर है। मुख्य मंदिर के साथ काल भैरव, कार्तिकेय, अविमुक्तेश्वर, विष्णु भगवान, गणेश जी, शनि भगवान, शिव पार्वती के छोटे मंदिर भी हैं। मंदिर परिसर के उत्तर की ओर एक ज्ञानवापी कुआं है। कहा जाता है कि मुगल आक्रमण के समय मंदिर के मुख्य पुजारी को शिवलिंगम को लेकर इसी कुएं में कूदना पड़ा। मंदिर के मुख्य त्योहारों में शिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। काशी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी को यहाँ रंग भरी एकादशी कहते हैं, जहाँ मंदिर डमरू के स्वर से गूंज जाता है और मणिकर्णिका घाट पर भोले के भक्त चिता भस्म से होली खेलते हैं। मान्यता है कि गोना कराने के दूसरे दिन बाबा विश्वनाथ ने महाशमशान पर अपने गणों के साथ होली खेली थी। एक और मुख्य त्योहार है बसंत पंचमी, जहां बाबा को तिलक किया जाता है। पौराणिक काल से मंदिर का हिंदू धर्म में महत्व है। यहां दर्शन के लिए आदि शंकराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, गुरु नानक देव जी, रामकृष्ण परमहंस,
स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि महापुरुष आए। एक हिंदू के लिए काशी विश्वनाथ और भगवान रामेश्वरम के दर्शन अनिवार्य हैं। कुछ श्रद्धालु जीवन के अंतिम दिनों में यहाँ रहना चाहते हैं ताकि उनकी मृत्यु इस पवित्र पुण्य तीर्थ में मोक्षदायी हो। काशी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मृत्यु का स्वागत और मृत्यु पर नित्य व उत्सव होता है, जहाँ शमशान जो जीवन का अंतिम चरण और शाश्वत सत्य है वहाँ भी फागुन मनाया जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि प्रलय काल में भी काशी क्षेत्र का लोप नहीं होता। प्रलय के समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। साथियों, मेरे साथ भारत के पुण्य तीर्थों के दर्शन करने के लिए और जानकारी पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हर हर महादेव।